नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी जिंदन है और ये मेरा ग्रैंडसन है सहज जिंदन। मैं आयु शक्ति के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये जब सहज छोटे थे, 8 या 9 महीने के, तब वो ठीक ही थे। अचानक से उन्होंने बात करना बंद कर दिया और वो इरिटेशन में हमेशा रहते थे, चिड़चिड़ करते थे, रोते रहते थे। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए वो हमें पहचानना ही भूल गए। किसी के पास भी चले जाते थे, चलने लगे तो घर से बाहर दौड़ के भाग जाते थे, कोई रिक्शा रुकी तो उसमें जाके बैठते थे। उनको हम सहज नाम से बुलाते थे तो पीछे पलट के कभी नहीं देखते थे, उनको कुछ सुनाई नहीं देता था, वो कुछ बोलते नहीं थे और ना ही जानते थे। हमें बहुत दिक्कत होती थी। लिटरली 4-5 साल हम लोग ये फेस में निकाली, एक बहुत सारी दवाइयाँ की। लिटरली वो किसी ने बोला वो ऑटिस्टिक है करके, मैं ऑटिस्टिक स्कूल में बच्चे रहते उनके पास चली गई, वहाँ के मैडम से मिली। उन्होंने वैसे कोई लक्षण दिखते नहीं है लेकिन है तो ऑटिस्टिक जैसा ही है, क्योंकि ये पहचानता नहीं है किसी को और जानता नहीं है। एक अजीब आवाज़ निकालते थे उनको, खाना भूख प्यास कुछ भी पता नहीं चलता था। जब भी खिलाओ खा लेते थे, टॉयलेट करना कुछ भी समझ में नहीं आता था। कपड़े नहीं कभी पहनते थे हम, इतना बड़ा लड़का नंगा रहता है, सब लोग हम समाज में मजाक ही बन गए थे और सब लोग हमें हंसते थे कि ये कैसा लड़का, इसका ट्रीटमेंट कराओ। नेबर्स को परेशानी होती थी, हमारे घर पर आने वाले रिलेटिव्स को भी परेशानी होती थी। सब लोग हमको बोलते थे कि एक बच्चा तो अच्छा ही है और ये ऐसा कैसे हो गया। सब स्पिरिचुअल लेवल के बारे पर भी हम लोग जाकर ऐसा सोच रहे थे कि क्या, लोग हमें बोलते थे कि नहीं ये हुआ है, टोटका हुआ, ये हुआ है। लेकिन बहुत सारा इलाज करने के बाद भी है ना, मुझे कुछ इसका फर्क महसूस नहीं हुआ। हम सब घर के लोग परेशानी थे, एक व्यक्ति हमेशा कंटिन्यू इसको पकड़ के बैठने वाला चाहिए रहता था। अगर कोई नहीं है तो साथ में, तो किसी को सुनता ही नहीं था। थक गए थे हम लोग। फिर एक दिन हम लोग है ना सफ़र में ही गए, मैं दीक्षा पर्सन हूँ और मैं हमारा ग्रुप में साथ में हम लोग जा रहे थे। सर से 2-3 महीने छोटे बड़े ऐसे सब बहुत सारे बच्चे साथ में थे और वो प्रेयर कर रहे थे गाड़ी में। मुझे बहुत दुख हुआ कि सहज बात नहीं करता है और एक जगह बैठता भी नहीं, वो गाड़ी में भी हमको बहुत परेशान कर रहा था। मेरे साथ में ना एक लड़की बैठी थी, उन्होंने बोला कि आप कब रिटर्न आने वाले हो। तो मैंने बोला हम लोग अगर वहाँ 2-3 दिन रुकने देते तो मैं सहज को वहाँ लेकर रुकने वाली हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कल वापस आने वाली हूँ क्योंकि मुझे इनको आयुशक्ति केंद्र में लेके जाना है और वो सुमेधा के ड्रॉप्स उनको पिलाने हैं, नक्षत्र के ड्रॉप। तो मैंने उनको जानकारी के लिए सब पूछ लिया, उन्होंने मुझे सब डिटेल्स में, पर मैंने मेरा निर्णय चेंज किया और उनके साथ वापस मैं मुंबई में आई। मैं गोरेगांव में ही रहती हूँ मुंबई में, और मैं उनके साथ आई। हमने दूसरे दिन उनको उनके साथ यहाँ ये आयुशक्ति केंद्र में मैं आई। और यहाँ मैं आने के बाद मुझे थोड़ा सा तो विश्वास हुआ कि नहीं, यहाँ इतने सारे बच्चों को पिला रहे हैं तो शायद इसका भी कुछ होगा। पर्टिकुलरली ये बीमारी के ऊपर है या किसी चीज के ऊपर है ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये ड्रॉप्स बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मैंने सबके मुँह से सुना। मैंने सोचा चलो कि भले इसके इस कारण और इस वजह के लिए नहीं है लेकिन पिलाना ज़रूरी है तो ऐसा पिलाकर देखते हैं करके मैंने उनको ड्रॉप्स पिलाना शुरू किया। लेकिन वो इतना परेशान करता था कि मुझे महीने में एक बार इसको यहाँ लाना भी मुश्किल होता था। फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप्स घर पर ही दिए और ये लोग मुझे यहाँ से रिमाइंड करते थे कि आज आंटी आपको देना है और ये टाइम पर दे दो और इस दिन दे दो। तो मैं वैसे ही करती थी। मैंने इनको 2009 से पिलाना शुरू किया, 2013-14 तक मैंने इनको कंटिन्यूस वो पिलाते रहे। लेकिन एवरी मंथ मुझे इसमें प्रोग्रेस पता चला। जब भी मैंने इनको पिलाना शुरू किया फर्स्ट वर्ड ये अम्मा ही बोले। हमने इनको लोग बोलते थे कि ये पागल है, इसको स्कूल में नहीं डालो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके, किशोर कुंज एक छोटी सी बालवाड़ी है उसमें उनको बहुत रिक्वेस्ट करके रखा। टीचर है ना उनको 10 चेयर के ऊपर बिठा दी क्योंकि वो कूदे नहीं और नीचे किसी को परेशान नहीं करे। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे दिन जैसे जैसे जाते रहे आगे, ये सब क्लास में ना सुन सुन के बोलना शुरू हो गया और बोलते बोलते फिर ये
एक दिन टीचर को इन्होंने सब बच्चों को टीचर बुक में दिखाती थी, मंकी दिखाओ, डॉग दिखाओ, पिग दिखाओ, तो ये बहुत कूद रहे, टीचर भी थक गई, बोली आप अब उतर देते इसको नीचे, तो ये बुक खोल के सब दिखाने लगे उंगली से। तभी टीचर को पता चला, टीचर बोले कि नहीं ये पागल नहीं है, ये सिर्फ बोल नहीं पा रहा है, ये समझता है लेकिन सब कुछ। फिर उन्होंने उनके सब बच्चों के साथ उनको बिठाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनको बातें आने लगी, वो मम्मी पापा ये सब बातें बोलने लगे, आज सहज इतने अच्छे बात करते हैं कि आज हमें बोर हो रहे कि इतना बात क्यों करता है, वो फ़ोन करता है, डिसिप्लिन उसको है बहुत सारा और सब जानता है, और हम आयुशक्ति के उस ड्रॉप का वैल्यू जानते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे लिए है ना उस वक्त के लिए, मानो ये जो ड्रॉप है सुमेधा प्राश वो संजीवनी है। सब माओ ने विचार करना चाहिए कि मैं आज आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे को दो ग्रैंडसन है, दो ग्रैंडसन को मैंने टचवुड आज तक कोई अस्पताल में एडमिट नहीं किया है और कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, क्योंकि ये इसी का ही रिजल्ट है कि वो अंदरूनी उनको शक्ति मिली है और वो शक्ति से वो बीमार कभी नहीं पड़े, क्योंकि वो पीने से ही उनको ताकतवर हुए। फुल जैन फूड खाते हैं वो, और लोग मुझे पूछते कि इनको क्या देते हैं, आप सर्च को तो देख ही रहे, सर्च एकदम हेल्दी है और सर्च के बड़े भाई है वो उनसे ज़्यादा हेल्दी है, उन्होंने 5-5 साल तो ये ड्रॉप्स पिए और बिना एक महीना का ये मैंने कभी लेट नहीं किया, डिले नहीं किया, कुछ भी हो लेकिन ये ड्रॉप पहले हमने लाया है और पिलाया है। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोगों को ये करना चाहिए, आपके आसपास, आपके रिलेशन में, आपके पहचान के सब लोगों को आपको ज़रूर बता देना चाहिए कि आपको आना है और ये आयुशक्ति केंद्र में जानकारी लेना चाहिए। यहाँ का स्टाफ, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई कभी भी नहीं, क्यों रहती है क्यों में हम लोग बैठे, डॉक्टर्स लोग बहुत हेल्पफुल है, आप 50 सवाल पूछो, मेरे पास 1000 सवाल रहते थे लेकिन सबका मुझे यहाँ जवाब मिला था, आपको भी मिलेगा, आप यहाँ आओ एक बार आजमाओ, देखो कि क्या होता है, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में मैंने जो बोला उसमें से एक एक वर्ड सच है, और आपके बच्चे को कभी डॉक्टर के पास भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मुझे नहीं पड़ी कभी कभी भी, ना ही बुखार आया है ना कुछ, ऐसी छोटी मोटी तो तकलीफ रहती है लेकिन हमको कोई डॉक्टर के पास भाग दौड़ करनी नहीं पड़ी। इसका है क्या, अंदरूनी फिट रहेंगे ना आदमी तो बाहर से भी फिट रहता है, तो ये संजीवनी इसलिए है ना कि ये मैंने इनको पिलाया है पहले से, इसलिए इनकी बॉडी अंदर से मजबूत है, ब्रेन शार्प है, आज सहज 98 के आसपास हमेशा मार्क्स लेके आते हैं, आज सहज को सबके बर्थडे याद है, सबको बर्थडे के दिन वो विश करते हैं, उनको पता है कि किसका बर्थडे कौन से तारीख को है, उस वक्त डे कौन सा है, उनको इतनी छोटी उम्र में वॉच में कितना बजा है, कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए हाइजेनिक क्या है, ये सब आज पता चलता है। जिसको हमारे नेबर लोग बोलते थे कि ये लोग पागल पागल की दादी है, ये वो पागल वाला लड़का है ना वो उसकी दादी है, आज वो लोग बोलते हैं कि नहीं, उनके बच्चों को बोलते कि सर देख कितना शार्प है, और आज मुझे बहुत खुशी होती है और मैं थैंक यू बोलती हूँ ये पूरी टीम को जिन्होंने, इनका हर एक का इसमें हाथ है, और आज जिसके वजह से मेरा पोता यहाँ दिख रहा है और मैं आज आपके सामने हूँ। थैंक यू।